स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक और ग्रुप टूर वाली वीडियो में। अगेन मैं पहले ही बोलूँगा कि जिसको ग्रुप टूर में चलना है वही वीडियो देखना, फालतू और कोई अपना 15 मिनट वेस्ट ना करके मेरी कोई और वीडियो देख लेना घूमने वाली। तो अभी मेरे को वैसे तो जनवरी में चाइना का टूर लेके जाना था जो आप पिछली वीडियो देखोगे, और ऑलरेडी 20 लोगों ने पेमेंट कर भी दी थी भाई उस चाइना टूर की। पर बात ये हुई कि अभी रिसेंटली चाइना ने 2 महीने पहले ही अपनी वीज़ा की थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज करी है, जिसकी वजह से अब इंडियंस के लिए थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वीज़ा। अभी एजेंट्स को भी नहीं पता कैसे करना है, और रूल थोड़ा ऐसे आया कि मैंने सोचा इस बार चाइना में नहीं करा सकता, एक बार एजेंट्स को भी क्लियर हो जाए अगली बार चाइना का कराऊंगा मैं टूर। अभी दोबारा से जापान का कराएंगे, पर जापान का इस बार होने वाला है विंटर टूर, जो कि जो पिछले 2 जापान के टूर मैंने कराए थे ना, अभी जस्ट 1 महीना पहले मैंने एक टूर कराया जिसमें 15 लोग आए थे, और उससे पिछले वाले टूर में 15 लोग आए थे, मतलब मेरे को मिला के 14 लोगों ने मेरे को ज्वाइन करा था। तो इस बार जो टूर होएगा वो होएगा टोक्यो से सिर्फ नॉर्थ, ओसाका और क्योटो हम नहीं जाएंगे क्योंकि विंटर में जाने का फ़ायदा नहीं है। ओसाका और क्योटो बिल्कुल टोक्यो जैसे ही लगेंगे आपको, तो विंटर में नॉर्थ जाने का फ़ायदा है जहाँ पे जापान में स्नोइएस्ट सिटी है, मतलब जिस जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वो जापान में, जिसका नाम आओमोरी है, जहाँ पे हम 2 दिन रुकेंगे, फिर सपोरो जाएंगे, गिंजा ओनसेन जाएंगे। गिंजा ओनसेन आप सर्च करना कैसी जगह है, आपको देख के हिल जाओगे आप कैसी जगह है। मैं भी नहीं गया गिंजा ओनसेन, मैं आज तक नहीं गया, आओमोरी में गया नहीं हूँ पर मेरे को पता है कैसी है। सपोरो में जा चुका हूँ और टोक्यो, 3-4 दिन टोक्यो है, 2 दिन सपोरो, 2 दिन गिंजा, 2 दिन आओमोरी। तो ये टूर है या तो 10 दिनों का है या 11 दिनों का है। आखिरी में एक दिन जो है वो है शॉपिंग के लिए फ्लाइट से 1 दिन पहले। अगर कोई 10वें दिन जाना चाहता है तो उसके लिए 5,000 रुपये सस्ता होगा टूर, अगर 11वें दिन जाना चाहता है तो उसके लिए नॉर्मल प्राइस होगा। तो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्राइस पिछले वाले जापान ग्रुप टूर से महंगा होगा क्योंकि पिछले वाले 8-8 दिन के टूर थे तो उनका प्राइस वैसे हिसाब से था। इस बार 11 दिन का टूर है तो 3 दिन ये ज़्यादा हो गए, प्लस पिछली बार हम टूर में सिर्फ 1 बुलेट ट्रेन लेते थे, इस बार 3 या 4 बुलेट ट्रेन लेनी पड़ेंगी हमको, जो कि बहुत महंगी होती हैं। जापान का रेल पास ही लेना पड़ेगा, कमाल है यार, मतलब सेक्टर में भी हॉर्न बजाने की आदत है, इंडियंस की आदत है, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो जापान का रेल पास लेना पड़ेगा फिर, तो टूर का टोटल खर्चा आ जाएगा 2,04,000 रुपये अगर आप 11 दिन का चूज़ करते हो। अगर आप 10 दिन वाला चूज़ करते हो, आखिरी दिन मतलब फ्री डे है, अगर आप वो चूज़ नहीं करते हो तो 1,99,000 रुपये का आपका टूर पड़ेगा। लोगों को सुन के भाई लगेगा कि अगर स्कूल वाला आ रखा है कि भाई अपने बच्चे को ले जाओ, तो लोगों को सुन के लगेगा कि बहुत महंगा टूर है, पर मैंने भाई देख लिया कि मैं जो टूर करा रहा हूँ ना भाई, सच में बहुत सस्ते कराने लग रहा हूँ। आप कहोगे 2 लाख को सस्ता कह रहा है, हाँ भाई सस्ता कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देख लिए कई इन्फ्लुएंसर है जो कई ट्रैवल कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके ट्रिप करा रहे हैं, जिसमें ट्रैवल कंपनियों को कहते हैं भाई तुम्हारा रहना खाना पीना और घूमना फ्लाइट व्लाइट सब फ्री, तुम हमारे लिए ग्राहक लेके आ जाओ बस। तो जो छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कराते हैं, जिसमें मतलब 1-1 लाख रुपये लेके फ्लाइट भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, एंट्री टिकट भी नहीं देते, अब फिर दे क्या रहे हैं मतलब। तो मेरे को पता चला कि भाई मैं तो सस्ते टूर कराने लग रहा हूँ, मेरे को लगता था कि महंगे कराने लग रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं अपना खर्चा भी निकालूंगा इसमें और अपने थोड़ा बचाऊंगा भी। जो लोग समझते हैं वो आ जाते हैं टूर पर, जिनको नहीं समझना बस समझो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़े आएंगे भाई। विंटर जापान मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ गिरेगी, 11 में से 4 दिन टोक्यो में तो खैर नहीं गिरेगी, कभी कभार गिर जाते हैं टोक्यो में, 4 दिन वो बर्फ़ नहीं गिरेगी, और आप 7-8 दिन मतलब ये मान लो आपके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी, और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह जाएंगे भाई, जो कि 1-2 जगह तो मैं भी नहीं गया हूँ, तो वो सब जाएंगे। अंडर वाटर बुलेट ट्रेन लेंगे हम, जो कि जापान को जापान के मेन पार्ट को होकाइडो आइलैंड से कनेक्ट करती है, वो वाली बुलेट ट्रेन लेंगे जो फास्टेस्ट हायाबुसा बुलेट ट्रेन कहते हैं। तो इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, A to Z सब कुछ इंक्लूडेड है, आपकी फ़्लाइट इंक्लूडेड है दिल्ली मुंबई से, कहीं और से कराते हो तो आपको वो करानी पड़ेगी, आपकी वीज़ा फीस वीज़ा कॉस्ट एजेंट की इंक्लूडेड अगर आप दिल्ली से हो तो, अगर आप कहीं और से हो, दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं स्टेट्स राजस्थान पूरा नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश, अगर आप इसके अलावा कहीं से हो बिहार से हो तो आपको कोलकाता से अप्लाई करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश मुंबई वगैरह से हो तो आप मुंबई से अप्लाई करना पड़ेगा, साउथ से हो तो आपको भाई बेंगलोर से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर चेन्नई से अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद करते हो तो 4,000 रुपये आपके टूर में कम हो जाएंगे क्योंकि आप खुद अप्लाई कर रहे हो। फिर भाई इसका डिपॉजिट है 40,000 रुपये जो कि बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, ओनली रिफंडेड इन केस योर वीज़ा इज रिजेक्टेड, अगर आपने खुद वीज़ा अप्लाई करा है वीज़ा रिजेक्ट हो गया 40 के 40,000 रुपये रिफंड।
अगर मेरे से अप्लाई करा है मेरे एजेंट को, आपने पासपोर्ट भेजा था, तो आपको 4,000 रुपीज लेस करके 36,000 रुपये रिफंड। मैं कुछ भी नहीं रख रहा भाई, कोई मेरे को ऐसा वो नहीं है, वरना मैं कह सकता था कि 10,000 रुपये काटूंगा ये वो, नहीं, जितना 4,000 मैं एजेंट को दूंगा वो के वो आपके पूरे रिफंड, ठीक है। फिर आपका भाई इसमें बुलेट ट्रेन का, जेआर रेल का पास लेंगे, मोकाइडो वाला 6 दिन का वो इंक्लूडेड है। फिर आपका भाई इसमें हॉस्टल्स में रहना इंक्लूडेड है, होटल्स नहीं होंगे। कभी कभार क्या पता होटल्स मिल भी जाते, जैसे मैंने, आपने वीडियो देखी होगी लेटेस्ट वाली जापान वाली, उसमें क्योटो में मैंने सब लोगों के लिए होटल्स करा दिए थे, मतलब हॉस्टल्स में प्राइवेट कमरे करा दिए थे। पर आपको भी नहीं पता ना यार आपके साथ कौन सा बंदा कैसा होगा, कैसा रुक रहा है, पर क्या पता एक दो जगह होटल्स ट्विन शेयरिंग बेसिस पे मैं करा दूं, पर आप हॉस्टल्स ही लेके चलना। आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, जिसकी लिमिट होगी 1,000 येन पर डे मैं आपको दूंगा ब्रेकफास्ट के लिए, इजीली आप 1,000 येन में कर सकते हो ब्रेकफास्ट, मैं आपको करके दिखा दूंगा। फिर आपका भाई डिनर इंक्लूडेड है, डिनर में ड्रिंक्स इंक्लूडेड नहीं है, और आप कुछ भी खाओ डिनर में सब कुछ इंक्लूडेड है इंडियन रेस्टोरेंट पे। अगर आप कहीं और खाना चाहोगे तो आप कहीं और खा के आ जाना और मेरे को बिल दे देना, मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा, वो सब मतलब जो ग्रुप टूर ज्वाइन करेगा उन सबको पता चल जाता है कि कैसे कैसे होता है। तो आपका खाना इंक्लूड हो गया, फिर आपकी एंट्री टिकट इंक्लूडेड है, आपका बस ट्रेन मेट्रो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, एयरपोर्ट से पिक ड्रॉप ये वो सब कुछ इंक्लूडेड है। सब चीज़ें मेट्रो से जाएंगे भाई, हम बसेस से जाएंगे, बुलेट ट्रेन से जाएंगे, कोई भी टैक्सी सुविधा या फिर शटल बस सुविधा नहीं है। एज यूजुअल जैसे मेरे ग्रुप टूर्स होते हैं वैसे ही होंगे, बिल्कुल बैक पैकिंग ट्रिप्स होंगे, आपको खुद ही अपना बैग उठाना पड़ेगा, कोई बैग उठाने नहीं आएगा आपका, तो उतना ही बैग लेके आना जितना मतलब आप ला सको, तो मतलब एक तरह से बैक पैकिंग ट्रिप होगा जैसे मैं घूमता हूँ। यार बार बताना पड़ता है कि कई बार नए लोग आते हैं वीडियो देखने, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 40,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, जो अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है, 18 ईयर्स प्लस के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हो तो आपके साथ कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर वाला कोई ना कोई बंदा होना चाहिए तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, अकेले 18 ईयर्स से कम ज्वाइन नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, मेरे पिछले दोनों टूरों पे दो बार हमारे साथ 65 ईयर्स के अंकल ने भी ज्वाइन किया था टूर, और मतलब एक 16 साल के बच्चे ने भी किया था, तो एज लिमिट कोई नहीं है, जेंडर का कुछ नहीं है भाई, आप लड़की हो लड़के हो कोई भी ज्वाइन कर सकता है मेरे में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर काफ़ी सारी लड़कियां मैसेज करेंगी कि भाई कितनी लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों टूर पे मेरे साथ बस एक ही बार एक लड़की गई है, पहले वाले जापान टूर पे, इस वाले पे कोई भी नहीं था। तो अगर आप अकेला आना चाहते हो, अगर आप फीमेल हो तो मोस्ट वेलकम है, पर मैं नहीं कह सकता कि कोई और फीमेल ज्वाइन करेगी या फिर नहीं करेगी टूर, ठीक है। तो ये था टूर के बारे में, सब कुछ इंक्लूडेड है, बस आपको लंच और ट्रैवल इंश्योरेंस अपने पैसों से करना पड़ेगा, और ए टू जेड आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। 40,000 नॉन रिफंडेबल है, सारा पेमेंट प्लान मैंने कैसे कैसे पेमेंट करनी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और कोई डाउट हो तो मेरे ईमेल पे आप मेल कर सकते हो, और आपको मिलते हैं भाई बर्फीली वादियों में जापान की।